पूरा जो है ठंडा हो गया है, लेकिन इसके अंदर पूरा आलू का स्टफिंग है। स्टेशन के बीच में इसके 14 हॉर्स से लोकोमोटिव लगी हुई है और इसका रिवर्सल होगा विशाखापट्टनम में। आज तो 112 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है खड़गपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GKGP। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप? तो बहुत सुखी, आप बहुत अच्छे हो। आज के हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि शालीमार चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बीच में डेली चला करती है। अगर मैं ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये शालीमार से शाम 3:20 पर निकलती है और अगले दिन आपको 4:50 पर शाम को चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो लगभग स्टेशन टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले 1650 किलोमीटर 25 घंटा 30 मिनट में। अगर मैं इस ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो ये ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 65 किलोमीटर पर और मैक्सिमम की बात करें तो 120 किलोमीटर पर। तो चलिए, हमारी जो ट्रेन है वो लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और आज आपकी भाई की जर्नी होने वाली है B6 में। और किस्मत तो हमेशा ख़राब ही रहता है कि भाई कभी मिडिल तो कभी अपर, साइड लोअर लोअर तो मिलता ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, जर्नी को शुरू करते हैं स्टाइल से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from. अभी मैं आपसे ना किस्मत का बात कर रहा था। हमारी जो कोच थी B6 में थी, लेकिन एक अंकल आए बोले कि हम लोग का 8 लोग का ग्रुप है तो बोले कि भैया आप पीठ पे चले जाओ, आपके पास हमारे पास लोअर सीट है। तो हम बोले भाई काहे नहीं चले जाए, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है। तो हम लोग अभी आ गए हम लोग बीट में और अंकल को जो था उनको दे दिए B6, दोनों अपर था। तो यार किस्मत सही है, बोले तो सब सही हो गया। बाकी गाइस 5 मिनट बचे ट्रेन खुलने में और हमारी जो कोच है सबसे ज़्यादा पीछे है, तो इसलिए मैं आपको लोकोमोटिव नहीं दिखा पाऊँगा। मैं ट्राई करूंगा संतरागाछी या बड़े बड़े स्टेशन पे जो जहां 10-20 मिनट रुकिंग गाड़ी, उसमें मैं जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे आगे मैं और हमारी जो B8 है सबसे पीछे में, तो जाने में समय लगेगा, 5 मिनट भाई ट्रेन छूट जाएगी। इसीलिए मैं ट्राई करूंगा कोई ऐसे स्टेशन पे आपको दिखाने का कौन से लोकोमोटिव लगी हुई और इसका रिवर्सल होगा विशाखापट्टनम में। आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, ये शालीमार से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बीच में इसके 14 हॉल्ट्स हैं, तो मैं 14 के 14 को तो कवर नहीं करूंगा, लेकिन जो मेन है खासकर जो स्टेशन है उसको मैं कवर करूंगा। हाँ जी, तो निर्धारित समय से ट्रेन हमारी निकल चुकी है शालीमार के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। बाकी वो लाइन आप जो देख रहे हैं वही चली जाती है हावड़ा की ओर।
हाँ जी, तो 112 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है खड़गपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GKGP। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 12 प्लेटफॉर्म्स अभी खड़गपुर से ऑपरेट हो रही है, और इंडिया का 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म में भी खड़गपुर का नाम है। अगर फर्स्ट में बात करें तो कॉलम जंक्शन, दूसरा में गोरखपुर जंक्शन, और तीसरा में हुबली, और फोर्थ में आता है खड़गपुर जंक्शन। तो हमने भी 30 रुपए के 3 समोसे लिए हैं, साइज तो ठीक ही ठाक है। इसको ट्राई करते हैं और आपके साथ बताते हैं इसका एक रिव्यू, टेस्ट करके बताते हैं समोसा का। अच्छा सर, अपने खबर भी अच्छा ऊपर खाना लग भी है। क्या क्या खाने में अपना? वेज खाना, अंडा खाना, चिकन खाना, मच्छी खाना, चावल रोटी मिक्स। क्या प्राइस सबका? कौन सा सबका? वेज 120, अंडा 130, मच्छी 150, चिकन 150। क्या खाना है वेज में? क्या क्या खिलाओगे? वेज में 2 सब्जी आएगा, एक मिक्स वेज सब्जी, एक पनीर वाला सब्जी, दाल, चावल रोटी मिक्स। चावल भी आएगा, रोटी भी आएगा। स्टैंडर्ड वेज मील है ना? वो वाला में आपका जो जो आइटम वो वाला मिलेगा, आपका पनीर सब्जी नहीं आएगा उसमें। ठीक है ठीक है। चिकन में? चिकन आएगा, रोटी चावल दोनों ही आएगा, रोटी भी आएगा, चावल भी आएगा, दोनों आएगा, चिकन करी आएगा, सब्जी रहेगा, दाल रहेगा। चिकन लेग पीस होने, एक पीस छोटो पीस था, 2 पीस वेज चिकन, एक वेज बोलो बता तो रहा है, एक वेज और चिकन। कौन सा वेज वाला? कौन सा अस्सी वाला? स्टैंडर्ड वाला? हाँ स्टैंडर्ड वाला ना। और नॉन वेज? स्टैंडर्ड नॉन वेज 80 टका वाला। 80 टका बिल लेंगे लेकिन? हाँ वो वाला आपको हम देंगे। भैया ये गाड़ी चल रही कम, रुक रही है ज़्यादा, हाँ जब देखो तब रुक जा रहा है गाड़ी, और फिर कभी तेजी चलने लग रहा है। तो 406 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है कटक जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CTC, और ट्रेन यहां पहुंची है 55 मिनट डिले। यहां पे 5 प्लेटफॉर्म के साथ ऑपरेट हो रही है कटक जंक्शन, और यहां से सोम्बलपुर के लिए एक लाइन निकलती है कटक से। गाड़ी समय से निकल चुकी है कटक से अपनी। डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जिसके स्टेशन कोड है BPS, और ट्रेन यहां पहुंची है 45 मिनट डिले। और मैं बता दूं तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बता दूं तो भुवनेश्वर में 6 प्लेटफॉर्म अभी ऑपरेट हो रहे हैं। मंडल के प्रेटी कार्ड से मैंने खाना लिया था, और जैसा कि आप बिल देख सकते हो मेरे पास, मैंने एक चिकन लिया
लिया था और एक स्टैंडर्ड मील लिया था। मील जो था वो नॉर्मल मील जो बता रहे थे वो 120 का बताते, मैंने लेकिन बोला कि भैया मेरे को स्टैंडर्ड मील ही चाहिए और विथ बिल चाहिए, तो बोले कि ठीक है भैया मिल जाएगा। देखो मेरे साथ बिल भी है, बाकी आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिल। तो अगर आप जब भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, कुछ भी खा रहे हैं तो बिल जरूर मांगिए, अगर बिल नहीं तो पेमेंट नहीं, सही है ना। तो समय हो चुका है चलने का, सोने का, और मिलते हैं सुबह से विशाखापट्टनम में जो 4:25 में पहुंचेगी। तो मिलते हैं सीधा आपसे वहीं पर, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम विशाखापट्टनम। 878 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है विशाखापट्टनम। इसका स्टेशन कोड है BSKP और ट्रेन यहां पहुंची है ऑन टाइम। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 8 प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है, और आंध्र प्रदेश का फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है विशाखापट्टनम को। और यहां से इस गाड़ी का ट्रेन का जो लोकोमोटिव रिवर्सल होगा। तो वीडियो कहां था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हमारा यहीं तक था वाइजैक तक का। तो मिलते हैं ऐसे ही नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, हर महादेव।